हाय एवरीवन दिस इज़ अवनीश धारीपाल मैंने अभी दो दिन पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपसे बोला था कि डोंट बी डोंट बी सैड और पैसिमिस्टिक जो भी परफॉर्मेंस आपकी रही है एमपी पी जुडिशल एग्जामिनेशन में यू you नो know, अब उस, उसे लेके ज़्यादा परेशान मत हो इट वॉन्ट हेल्प यू आउट सेकेंड थिंग इज दैट बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, होंगे अभी दैट नाउ आई एम गोना स्टार्ट प्रिपरेशन फ़ॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड आई वुड डू दिस एंड दैट तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी मत रखो जस्ट नाउ टेक टू थ्री डेज ब्रेक एक छोटा सा जो है अपना एक ब्रेक रखो थोड़ा सा और उसमें एन्जॉय करो वट एवर योर हॉबीज़ आर चाहे मूवी देखना हो घूमना हो टेक टेक टाइम फॉर योर हॉबीज़ टेक टाइम फॉर योर लेजर टाइम थोड़ा सा आराम करो कुछ भी करो दो तीन दिन अपने आप को जो है फ्री रखो स्टडीज से और दो तीन दिन के बाद का शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल में भी डोंट ट्राई टू स्टडी फोर्टीन आवर्स ट्वेंटी आवर्स ए डे नॉट पॉसिबल चौदह घंटे की पढ़ाई जो है जो है नहीं हो पाएगी कुछ लोग तो बीस बीस घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं रादर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो कि मुझे आठ घंटे की स्टडी करनी है बट सिक्स डेज ए वीक मैं स्टडी करूंगा देखो तैयारी जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इट्स ऑलवेज अबाउट स्ट्रेटेजी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो है आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आप चौदह घंटे एक दिन पढ़ लोगे तीन दिन पढ़ लोगे पाँच दिन पढ़ लोगे उसके बाद अगेन देन यू स्टार्ट टेकिंग टू डेज ऑफ थ्री डेज ऑफ इससे बेटर है एट डेज आप दो लेकिन रोज दो दैट वुड बी मच बेटर रोज मतलब सिक्स डेज ए वीक एक डे अपने लिए फ्री रखो और अपनी तैयारी में फोकस करो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है अभी अगर आप तो कहीं से किसी कोचिंग से की वगैरह आपको मिल सकती है या फिर इफ़ यू कैन योर सेल्फ टैली ना तो देखो कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है जी के अगर कमज़ोर रही है तो जी के लिए फोकस करो लास्ट वन ईयर की कोई कोई भी एक मैगज़ीन उठा लो एक ही उठाना मैगज़ीन चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो क्रॉनिकल हो या समसामायिक घटना चक्र हो एनी मैगजीन क्योंकि आपको बहुत बेसिक्स पढ़ना है उसमें से प्लस अब जो नेक्स्ट एग्जाम है उसे टारगेट करो आई थिंक हरियाणा वुड बी द नेक्स्ट एग्जाम बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे हैं वट टेंटेटिव डेट तो टेंटेटिव डेट का हाउ कैन आई टेल यू टेंटेटिव डेट आई डोंट नो आई एम नॉट कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन इस ढंग कमेंट आप मत मतलब किया करो क्योंकि आई हैव नो आइडिया लेकिन प्रिपेयर फॉर इट सबसे पहले लोकल लॉज प्रिपेयर करो लोकल लॉज के जो भी पाँच सात क्वेश्चन होते हैं दे मैटर ए लॉट उसके लिए प्रिपरेशन कर लो प्लस करंट के आई सपोज देर वुड बी टेन क्वेश्चन करंट का लास्ट वन ईयर प्रिपेयर कर लो एम पी के लिए जो किया था आई थिंक मोर लेस इट वुड बी द सेम लेवल इंग्लिश का लेवल डिफरेंट होगा इंग्लिश जो है जी जो हरियाणा की जो इंग्लिश जो जो इंग्लिश आती है इट्स लिटिल बेट एट ए हायर पेडिस्टल थोड़ा सा आपको बेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा हरियाणा की इंग्लिश के लिए टेक एनी बुक आई ऑलवेज टेल यू डेट लूसेंट ले लो आप अरिहंत ले लो भारद्वाज ले लो दे आर ऑल ग्रेट बुक्स दे वुड डू द जॉब और उसमें से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो तो अभी एक महीना है आपके पास सो यू कैन इन्वेस्ट सम टाइम इन इवन इन इंग्लिश उसके अलावा स्टेटिक जीके के लिए लूसेंट का मिसेलिनियस पार्ट देख लो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, बहुत बहुत बेसिक जो होता है वो हिस्ट्री जोग्राफी का देख सकते हो लेकिन एक दो एक दो क्वेश्चन आएगा तो उसमें डोंट इन्वेस्ट मच टाइम इसके अलावा लो पौ, लो पोर्शन में एक चीज ध्यान रखना एमपी में और हरियाणा में डिफरेंस ये रहेगा कि एम इन एम पी दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन कि किस सेक्शन में क्या चीज़ दी हुई है की पूछ लेंगे दैट्स इट्स इन हरियाणा इट्स डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देर वुड बी नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग से जो इक्वेशंस हैं वो बहुत चेंज हो जाते हैं दे मेक ए ह्यूज डिफरेंस बिकॉज यू कैन नॉट मेक ए एन अनकैलकुलेटेड गैस आपको अनलेस आपको फिफ्टी फिफ्टी श्योर हो फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट श्योर आप हो अगर जो है तभी आप जो है अटैम्प्ट करोगे फिफ्टी परसेंट श्योर नहीं हो तो अटैम्प्ट मत करो यू कैन नॉट जस्ट शूट इन शूट इन द एयर तो ये डिफरेंस है अगर आप प्रैक्टिस भी पे कर रहे हो किसी जो प्रैक्टिस पेपर्स या प्रीवियस पेपर्स को जो सॉल्व कर रहे हो देन उसी हिसाब से आप ट्राई करो नेगेटिव मार्किंग जो वन फिफ्थ उनका रहता है उसी पैटर्न को फॉलो करके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या प्रैक्टिस सेट्स हैं उन्हें जो है लगाओ देखोगे क्या उसका जो है वो आता है यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग सेकेंड थिंग इज दैट इन हरियाणा दे आर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन से सिंपल क्वेश्चन कम पूछते हैं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा करते हैं तो थोड़ा सा इफ़ यू कैन रिवाइज योर मेन्स नोट्स दैन इट वुड बी वेरी गुड मेन्स के जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेना स्पेशली जो प्रोसीजर लॉज हैं क्योंकि उनमें हरियाणा इन हरियाणा दे ऑलवेज फोकस मोर ऑन प्रोसीजर लॉज इन पिरी एज वेल एज इन द मेन्स सी आर पी सी सी पी सी एविडेंस देख लेना थोड़ा बहुत लिमिटेशन देख लेना स्पेसिफिक लॉ वगैरह देख लेना मेंस के जो नोट्स हैं इनके तो उन्हें भी आप थोड़ा सा फोकस जरूर करना दे वुड बी वेरी हेल्पफुल इसके अलावा जो है अगेन टेक एनी गुड बुक किसी भी अच्छी बुक से आप प्रैक्टिस जो है कर सकते हो जैन है विनय कुमार गुप्ता है और हरियाणा के लिए आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर बुक्स क्योंकि मोटी होना बुक का एक अच्छी अच्छी बुक का क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी मोटी है रादर कितने रिलेवेंट क्वेश्चन हैं दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया सो उस सबको माइंड में रखते हुए यू शुड टेक द एग्जाम अभी से आप लगो और एक बैलेंस तैयारी करो अगर नाइन्टी परसेंट लॉ आएगा तो फो गिव नाइन्टी परसेंट टाइम टू लॉ अगर दस परसेंट बाकी चीज़ें आएंगी इंग्लिश जी के वगैरह तो उनके लिए दस परसेंट टाइम दो प्लस टाइम मैनेजमेंट हरियाणा में टाइम मैनेजमेंट की कीमत रहेगी सो प्रैक्टिस जरूर करना प्रीवियस ईयर पेपर से इट वुड हेल्प यू ए लॉट इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं टेंटेटिव डेट डेट मत पूछना मुझसे इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन हैं जो कि तैयारी से रिलेटेड है प्रॉपर उन्हें कमेंट्स में लिख दो मैं कोशिश करता हूं डेट आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चन बिहार का एग्जाम भी आई थिंक होने वाला है बिहार का देखो आई नेवर टुक द बिहार एग्जाम बट आई वुड ट्राई टू गिव यू सम सजेशंस जो है आफ्टर आस्किंग टू समाई कलीग्स जिन्होंने कि एग्ज़ाम दिया है सो आई वुड ट्राई देट हरियाणा आई हैव टेकन सो हरियाणा का मुझे थोड़ा आइडिया है हरियाणा के लिए निगेटिव मार्किंग को बहुत फोकस में रख रखना और प्रैक्टिस जरूर करना मेन्स के नोट्स जो है अगर आप रिवाइज कर सकते हो दे वुड मेक ए हीज डिफरेंस थैंक यू गुड लक